तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बाइनरी फ्यूजन में जैसे कौन कौन से स्टेप होते हैं, अब इसको हम लोग डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि यह जो है सो एक पैरेंट जो है सो पैरेंट पैरामीशियम है। इस पैरेंट पैरामीशियम में ये जो है सो ओरल ग्रुप है और यहाँ पर दो न्यूक्लियस है जो कि एक जो है सो मैक्रो जो बड़ा वाला है उसको हम लोग मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, छोटे वाले को हम लोग जो है सो माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह जब जो है सो जन्म के लिए जब तैयार होता है तो यह जो है सो अपना भोजन लेना बंद कर देता है और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो ओरल ग्रुप है यह भी जो है सो धीरे धीरे डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो मैक्रो न्यूक्लियस है जो ग्रुप केंद्रक है जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है इसमें जो है सो ए माइटोटिकली जो है सो डिवीजन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है जो लघु केंद्रक है ये इसमें भी जो है सो इसमें भी डिवीजन की जो है सो प्रक्रिया जो है वह शुरू हो जाती है और ये जो डिवीजन होता है वह जो है सो माइटोटिकली होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ओरल ग्रुप आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह जो है सो धीरे धीरे डिसअपीयर होते जाता है, लुप्त हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है सो डिवीजन होने के लिए जो है सो दोनों न्यूक्लियस जो है सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रहा है ना। और इस दरमियान क्या है कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है वह जो है सो अपने दोनों स्थान को पकड़े हुआ है, अपने जगह पर ही है, उसमें जो है सो किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आ रहा। और उस जैसे ही न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो इसके बीच में जो है सो एक खांच बनने लगता है, ये खांच के बनने की जो प्रक्रिया है वह यहाँ से जो है सो शुरू हो जाती है। उसके बाद ये जो ओरल ग्रुप जो था जो डिसअपीयर हो गया था वह जो है सो खांच बनने के साथ इसमें जो है सो ओरल ग्रुप भी जो है सो क्या है कि धीरे धीरे जो है सो इसका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जो है सो ये डेवलप होता है, ओरल ग्रुप जो है सो डेवलप होता है, वैसे वैसे खांच भी क्या होता है कि यह जो है सो गहरी होती जाती है और अंततः जो है सो क्या होता है कि यहाँ से जो है सो जहाँ ये जो खांच है यहाँ से जो है सो दोनों जो है सो अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर पैरेंट पैरामीशियम जो है सो दो डॉटर पैरामीशियम में जो है सो परिवर्तित हो जाता है। तो अब ये जो है सो क्या है कि जो पैरेंट पैरामीशियम है इसका यह ऊपरी सिरा हुआ यह अग्र सिरा कहलाता है और ये पश्च सिरा कहलाता है। तो अग्र सिरा से जो डॉटर पैरामीशियम बनता है उसको हम लोग जो है सो प्रोटर कहते हैं और जो पश्च सिरा या नीचे वाले से जो बनता है उसको हम लोग जो है सो उपेस्टी कहते हैं। उसके अलावा क्रोमोसोम में जो डिवीजन की जो प्रक्रिया होती है तो देखिए इसके साथ इसी बीच दरमियान क्या होता है जिस समय न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसी समय जो है सो क्रोमोसोम का भी डिवीजन होते रहता है। तो ये जो है सो क्या है कि हमने यहाँ पर क्रोमोसोम को बना रखा है, ये जो है सो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो है सो ये क्रोमोसोम जो है सो लंबवत है, ठीक है। तो ये जो है सो पहले से जो है सो दिखाई नहीं देता है, डिसअपीयर रहता है, लेकिन जब जो है सो विभाजन का समय आता है उस समय जो है सो ये क्रोमोसोम जो है सो क्या होता है कि अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पर ये पहले लंबवत जो है फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो है ये जो है स्टेज जो कहलाता है वह प्रोफेज कहलाता है, फिर उसके बाद इसमें जो है सो डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद फिर जो है सो क्या होता है कि दोनों जो है सो विषुवत सिरे पर जो है सो क्या होता है कि लंबवत जो है सो जाकर स्थित हो जाते हैं और फिर उसका भी जो है सो धीरे धीरे ग्रोथ होते रहता है। ग्रोथ होने के बाद दोनों में जो है सो जिस समय न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म का जो है सो डिवीजन होता है तो दोनों में जो है सो ये विभाजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि पैरामीशियम कोरेटम में जो है सो पैरेंट जो है सो मतलब कि पैरेंट पैरामीशियम कोरेटम दो डॉटर पैरामीशियम कोरेटम में बाइनरी फिजन के द्वारा जो है सो इसका रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो है सो कंजुगेशन की प्रक्रिया कैसे होती है।